स्वागत है आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल आज लग रही है आप, काफी कैंडिड वेस्टर्न आउटलुक, सिंपल सिंपल एंड सोबर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। व्हाट डू यू मीन आज ब्यूटीफुल लग रही हूँ? मतलब मैं हमेशा ब्यूटीफुल नहीं लगती। आप हमने आपको विद्रोही का मैं आप उड़ीसा के कॉफी नहीं, वो भी ब्यूटीफुल था, वो भी अपने एक सेंस में बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिएट किया हुआ लुक था मेरा कल्याणी का, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है बहुत। और ये भी अच्छा लगता है, दिस इज हेमल, दैट वाज कल्याणी। ओके, हाल में लास्ट डे का शूट हुआ, बहुत ही अच्छी जर्नी रही आपकी, जो कैरेक्टर के लोगों ने बहुत पसंद किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत सारा सीखने को मिला, एंड ओनली मैं सब लेके जा रही हूँ इस जर्नी के साथ। इस जर्नी ने मुझसे कुछ नहीं लिया, मैंने बहुत कुछ ले लिया इस जर्नी से, क्योंकि मैं तो आई थी एज अ स्मॉल टॉडलर जब आई एंटर्ड, क्योंकि ये मेरा पहला शो था, पहला टेलीविजन का शो था, वो भी एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे, स्टार प्लस एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, नंबर वन है इंडिया में, एंड इससे ज़्यादा मैं क्या ही मांग सकती थी अपने फर्स्ट शो के लिए। ऊपर से मेरा किरदार इतना इम्पॉर्टेंट, इतना इंस्पायरिंग था, इट वॉज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर, सो आई हैव लर्नड इमेंसली। एंड इसके बाद जिस तरह से मुझे अब लोग देखते हैं, जिस तरह का काम मेरे पास आ रहा है, आई कैन सी द डिफरेंस। सो डेफिनेटली यही कहना चाहूँगी कि बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स की कि इतना अच्छा मुझे मौका और अपॉर्चुनिटी मिला। इनफैक्ट इन टेलीविजन ओनली आई थिंक इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, कितने सारे टेलीविजन के कॉल्स आ रहे हैं मुझे, जो कल्याणी को देख कर आ रहे हैं कि उन्होंने कल्याणी का किरदार देखा है और वो चाहते हैं कि मैं उनके भी शो का एक हिस्सा बनूं, एंड इतना सारा अप्रिसिएशन इंडस्ट्री के अंदर ही मिल रहा है, और ऑडियंस का तो इतना क्रेजी अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि वी मिस कल्याणी, वी मिस अ वॉरियर, वी मिस अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना एक इम्पैक्टफुल ऐसा किरदार मैंने निभाया है विद्रोही के माध्यम से, तो बहुत आई एम हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट्स इट। शरद सर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही, सेट पे भी हमने देखा, तो कुछ अगर आप बता सके जर्नी जो शरद सर के साथ थी, उसके बारे में थोड़ा। शरद सर के बारे में मैं यही कहूँगी कि आई फील ऑन सेट्स, वो एक तो ही डजेंट कैरी दैट बैगेज कि यू नो आई एम अ स्टार, लाइक आई एम सो लाइक मेरे से एक तरह से ही रहना, सो दैट मेक्स थिंग्स वेरी कम्फर्टेबल फॉर एनी बडी हु इज़ वर्किंग विथ हिम। एंड आई फील विथ शरद सर द इजीएस्ट थिंग वॉज वी बोथ आर सो ट्विस्टेड, हम सिर्फ हंसते रहते हैं हर चीज़ पर, हंसते रहते हैं हर चीज़ पर, एक क्रेजीनेस सा है दोनों में जो हर आर्टिस्ट में होता ही है, तो वो सिंक कर गया, एंड लकीली फिर आई गॉट सो कम्फर्टेबल विद हिम कि काम भी बहुत आसान हो गया मेरे लिए। सो With him the bonding is about craziness, we both are mad people, आपने हमारे Instagram पे भी बहुत सारे reels देखे, we're just mad कि we're just a bundle of energies, two bundle of energies working together. So, last day of shoot, very emotional, समय रहता है, तो वो कुछ अगर आप describe कर सके तो। I think मेरा तरीका ऑफ प्रोसेसिंग इमोशंस बहुत अलग है, तो लास्ट डे ऑफ शूट मोर देन इमोशनल मेरे लिए बहुत ब्लैंक था, बिकॉज मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या फील करूँ। एक तरफ बहुत ज़्यादा दुखी तो थी ही कि अब इन लोगों को वापस दोबारा नहीं देखूंगी, एक स्मॉल ऐसे होप था ऑफ द फ्यूचर ऑफ कोर्स, खुशी थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स लॉक कर लिए थे कि आई एम नाउ ऑन टू माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, सो इट वॉज टू मैनी थिंग्स एट वंस, सो आई वॉज जस्ट ब्लैंक। उसका मिक्सचर हो जाता है ना, कि जैसे कहते हैं कि सारे कलर्स मिक्स करने के बाद ब्लैक बन जाता है, सो इट वॉज लाइक दैट, आई वॉज जस्ट ब्लैंक, मेरा ब्लैक कलर नहीं बना पर ब्लैंक बन गई मैं, आई वॉज ब्लैंक दैट डे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या फील कर रही हूँ। तो उसके बाद शो खत्म होने के बाद आई थिंक दो तीन दिनों में मैं धीरे धीरे रिफ्लेक्ट कर पाई मेरे इमोशंस पर, एंड ऑफकोर्स आई प्रोसेस्ड माई फीलिंग्स, एंड या वॉज एग्जैक्टली करेक्ट। किस तरह की कॉल्स आ रही है अगर आप बता सकते हैं, किस स्क्रिप्ट आपने पढ़ ली है अभी?
वो अभी तक स्क्रिप्ट सच में काफ़ी सारे पढ़ लिए हैं. आई थिंक अराउंड 9-10 स्क्रिप्ट तो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. सो इट्स अ वेरी नाइस टाइम, टच वुड. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दिस ईयर आई कैन टेल यू कि इट्स गोइंग टू बी बैंगिंग फॉर मी. बहुत सारा इंटरेस्टिंग ऐसा काम लेकर मैं आने वाली हूँ आप सबके सामने, तो ज़्यादा मिस मत करिए मुझे. मैं आई एम गोइंग टू बी बैक सून विद न्यू थिंग्स. इनफैक्ट मेरे ऑलरेडी 2 फिल्म्स आर रिलीजिंग इन मे, जो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन थोड़ा डिले हो गया था, जो मैंने पहले ही विद्रोही के काफ़ी पहले शूट किए थे. So things are very properly अभी chronologically arranged for me. So I'm very excited. There's a very bright future I can see. तो ज़्यादा दुख से ज़्यादा यही hopeful and like walking towards. जैसे आपने कहा एक दरवाज़ा बंद होता है तब बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, तो वही फ़िलहाल हाल है कि बहुत सारे इनफैक्ट कन्फ्यूजन है ऑफ वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू. अंडरस्टैंड कर रही हूँ खुद को कि क्या चॉइस करना चाहती हूँ मैं, क्या मेरे लिए सही होंगे. सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. या मराठी, आई प्लान टू डू मराठी क्योंकि मराठी तो मेरी मातृभाषा है, तो आई बहुत क्लोज टू माई हार्ट है. ऑफकोर्स मराठी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो आई प्लान टू डू अ मराठी फिल्म दिस कमिंग जून इश रफली. एंड आई डू अ लॉट ऑफ साउथ वर्क ऑल्सो, तो मैंने एक साउथ की भी फिल्म प्लान्ड है. दिस ईयर आई एम गोइंग टू डेब्यू इन द तमिल इंडस्ट्री एज वेल. एंड एज अ हिंदी फिल्म ऑल्सो दैट आई प्लान टू डू राइट नाउ विच विल स्टार्ट शूटिंग इन अप्रैल. सो या वेरी एक्साइटेड, एवरी थिंग लुक्स ग्रेट. एंड जस्ट आप सबका प्यार चाहिए और क्या चाहिए, उससे ही मेरा काम चलता है. तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार देते रहिए. मैं बस इतना बता सकती हूँ आपको, बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट सा रोल है. आज तक का मेरा सबसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ऐसा एक कैरेक्टर होने वाला है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. मैं अगर सच कहूँ तो मैंने पिछले 9 सालों से होली सेलिब्रेट नहीं की है क्योंकि मुझे पानी का वेस्टेज पसंद नहीं है. एंड इधर एग्जाम्स होते थे या फिर जब एक्ट्रेस बन गई तब कलर लगने का टेंशन होता था, इसीलिए कभी फिर सिर्फ कलर से भी नहीं खेला. लेकिन इस साल मैं आप सबको एक मैसेज दूंगी कि प्लीज़ होली खेलिए, लेकिन बी रिस्पॉन्सिबल, डोंट वेस्ट वाटर, प्ले विथ कलर्स, डोंट वेस्ट वाटर. थैंक यू, आपने इतना सारा प्यार दिया है और मुझे इतना सारा एक्सेप्टेंस दिया है, इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं. आप सबके सारे मैसेजेस, सारे कमेंट्स मैं पढ़ती रहती हूँ. बहुत अच्छा लगता है देखकर कि इतना प्यार मिल रहा है मुझे इस कल्याणी कैरेक्टर के लिए. एंड जस्ट ऑल द वर्क दैट आई एम डूइंग, सो थैंक यू सो मच. कीप वेटिंग, देयर इज अ लॉट मोर टू कम. थैंक यू सो मच.